मिनी गोवा की बीच है, रियासी का मिनी गोवा बोल सकते हैं हम। सफाई करने के बाद ये कितना सोना द्रबड़ बन गया, कितना सोना द्रबड़ बन गया। बड़ा बड़ा सांप बैठा हुआ था जो आपने फोटो और वीडियो में देख लिया, और अभी रॉकस्टार विशाल लेने आ गया पानी से। मेरा बड़ा चिढ़ना यार। अच्छा हमको सिखा दिया है, उठा के गाड़ी में रख लो या एक पॉलीथीन रख लो उसमें ले जाओ, जब तक वो आते हैं तब तक हम खा रहे हैं समोसे। कैसे हो? कब जा रहे हो चंडीगढ़? एक साल इनको हमने बड़ा दुख दिया। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ आपका दोस्त एंड होस्ट हैप्पी, और आज है संडे और आज हमने जाना है घूमने बारंदरी वाली साइड, क्योंकि पापा की रिटायरमेंट की जो एल्बम थी वो आ गई है और वो लेने जाना है, और साथ में हमारा रॉकस्टार विशाल है उसने अपना ब्लॉग शूट करना है तो उसके साथ जाना है। पर रात को सोचते सोचते बड़ी देर हो गई, क्योंकि रात को यहाँ पे बहुत बड़ा एक सांप निकला था। सांप थोड़ी सी वीडियो है वो भी दिखाऊंगा, पर आपको ये दिखाता हूँ कि वो रात को कहाँ था और कैसे निकला। यहाँ से आपको बताता हूँ, हमारे ताऊजी तो घर हमारे घर के बिल्कुल साथ है, ज्वाइन ही है, तो वो दिखा रहा हूँ मैं आपको अभी कहाँ से देखा था रात। एरिया है यहाँ पे, यहाँ पे भैया अभी ये लेके जा रहे हैं, यहाँ पे स्नेक था रात को, मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ। तो भैया ये लाइट ऑन करने आए थे रात को, जैसे लाइट ऑन करी यहाँ पे बड़ा बड़ा सांप बैठा हुआ था जो आपने फोटो और वीडियो में देख लिया, और वो यहाँ से जैसे ही ऊपर लाइट लगाई और जैसे ही छोटे छोटे कीड़े पड़ने शुरू हुए यहाँ से निकल गया वो, यहाँ से निकलता हुआ यहाँ से निकला इनके बीच। यहाँ पे ये वाली चारपाई इधर पड़ी थी, पहले इधर छुप गया यहाँ से, फिर गया वो इसके नीचे, फिर हमने उस पर फेंका पानी। वो सांप बिल्कुल मेरी तरह था, क्योंकि उसको पानी से लगता था डर, जैसे उसके ऊपर पानी पड़ा वहाँ से निकला यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे तब तक हमने एक तोड़ा रख दिया था बोरू सा, और वो जाके बोरू में छुप गया। जैसे ही वो बोरू में आया हमने बोरू ही उठाया, बोरू को उठा के हमने फेंक दिया, क्योंकि हमने नहीं मारा क्योंकि इतनी हिम्मत थी नहीं, वो चुपचाप बोरू में छुपा और हमने उसको घर पर फेंक दिया। तो अभी शाम के बजे 5 बज गए, अभी वीडियो अपलोड पे लगाई थी 4 बजे अपलोड होनी थी, बट वहाँ पे भी लेट हो गए। अभी रॉकस्टार विशाल लेने आ गया, अब आज इसका ब्लॉग शूट करना है, इसमें बारंदरी जा रहे हैं, वहाँ पे जाएंगे अभी। उम्मीद भैया के पास मैंने जाना है, क्योंकि मेरे को काम भी था, रिटायरमेंट की एल्बम लेनी थी पापा की, तो वो एल्बम लेके आता हूँ और तब तक इसके साथ ही हो आता हूँ। दोस्तों अभी हम आए हैं बालादरी, यहाँ का व्यू पॉइंट है। अभी यहाँ 10 से 15 दिन पहले पानी यहाँ तक आ गया था, तो पानी था पिछले हफ्ते, तो आज थोड़ा मौसम ठीक है, तो जब भी बारिश होती है इस जगह पे काफ़ी बाढ़ आ जाती है। रॉकस्टार विशाल अपना ब्लॉग बनाते हुए, ये सारी जगह पानी से भरी हुई थी, आज पानी बड़ी दूर हो गए यहाँ से, पानी के पास लेके जाता हूँ क्योंकि पानी की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, और पानी से आपको पता है मुझे वैसे भी बड़ा ही ठंड लगती है, पानी से मेरा बड़ा चिढ़ना है यार। अच्छा हमको सिखा दिया है, जैसे कि ये सारी जगह पे पानी पानी होता है जब बारिश आ रही है, हो सकता है पीछे मुन्ने भैया और खड़े हैं दोस्त अपने सारे, उनसे भी मिलते हैं जाके। ये हमारे रियासी की ना, रियासी की मिनी गोवा मान सकते हो आप इस जगह को, क्योंकि गोवा जैसी छोटी सी बीच है और बाकी सब कुछ चलता है। सब भैया क्या मैसेज देना चाहोगे लोगों को जो यहाँ पे आके इतनी खूबसूरत जगह को इतना गंद में डाल के चले जाते हैं? अरे एक ही अपना जो सामान है उठा के गाड़ी में रख लो या एक पॉलीथीन रख लो उसमें ले जाओ, जहाँ पे कहीं डस्टबिन मिलता है वहाँ छोड़ दो। हाँ। इतना प्यारी देखो ना, मैं इसलिए साफ कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं आता था हम बचपन से आ रहे हैं यहाँ पे, तो इतना साफ होता था, चलो अब लोग पहले लोगों को इतना पता भी नहीं था, अब लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। मैं चाहता हूँ कि जब मेरे बच्चे आए हाँ। तब भी ये साफ ही रहते, वो दो फील मुझे आता था यहाँ पे बिल्कुल, जैसे मैंने अभी देखा आपकी छोटी बेटी भी लगी हुई थी आपके साथ उठाने में, वो भी काफी खुश लग रही थी, तो उसके लिए भी एक सीखने को यही था कि बच्चे भी यही सीख रहे हैं कि गंद ना ही डालें कहीं पे भी जा रहे हैं, तो
उन लोगों को एक मैसेज है कि यहाँ पे आके गंद ना ही डाले, क्योंकि ऐसी जगह देखने में बड़ी ही ज्यादा खूबसूरत है। और ये इतना गंदे देख सकते हो, ये सारा भैया ने उठाया, अभी जो लिफाफे पड़े हुए हैं अभी भी ये लगे हुए थे। हम तो अभी आए हैं, आने से पहले भैया ने काफी एरिया जो है वो साफ कर दिया था। तो हम तो ऐसे ही घूमने आए थे, अचानक से जैसे ही भैया को देखा कि भैया सफाई कर रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी भैया की मदद करें। तो जो जो ये वीडियो देख रहा है, तो प्लीज़ सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, इसी जगह को छोड़ के कोई और भी जगह है ना, तो गंद ना ही डालो तो ही अच्छा है, क्योंकि ये अपनी जगह है। कल को कोई बाहर से आके देखेगा, कोई बोलेगा कि नहीं जगह अच्छी है, तो इतनी इतनी खूबसूरत जगह को बदसूरत ना ही बनाओ तो ही अच्छा है। तो अभी राहुल अपने शॉट ले रहा है ब्लॉग के। अभी भैया जो आए थे, भैया जा रहे हैं पीछे, जैसे गाड़ी देख सकते हैं आप, सब वे जा रहे हैं। बाय 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 दोस्तों, अभी भैया और जा चुके हैं, राहुल के दो तीन सूट बचे हैं, इसने वो अपने सूट लेने हैं, उसके बाद हम निकल जाएंगे यहाँ से ओमी भैया की शॉप पे, क्योंकि 6 बज गए हैं, 6:30 बजे मुझे जाना है बैडमिंटन कोर्ट, और तब तक के राहुल के सूट लेने हैं अभी जल्दी जल्दी, फिर इसके बाद हम जाएंगे ओमी भैया के पास, 10 मिनट वहाँ लग जाएंगे, उसके बाद निकलेंगे घर को, क्योंकि टाइम हो गया ज़्यादा अच्छे घर पर। भैया की सफाई करने के बाद ये किन्ना सोना द्रबड़ बन गया, किन्ना सोना द्रबड़ बन गया, इतना सोना द्रबड़ है ये साला साला। यहाँ पे आप मंज भी चरा सकते हो, पर पहले नहीं चरा सकते थे क्योंकि यहाँ पे बड़ा गंद डाला हुआ था, पर जब से भैया सफाई करके गए हैं, ये देख सारा भैया ने सारा कूड़ा वो पीछे पीछे इकट्ठा किया हुआ है, और पूरा द्रबड़ क्लियर हो गया हमारा। द्रबड़ यानी कि हमारी ये जो मिनी गोवा की बीच है, रियासी का मिनी गोवा बोल सकते हैं हम। और वो देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही राफ्टिंग वाले जा रहे हैं, वो देखिए रबड़ में ना मेरे शूज़ भी गंदे हो गए हैं, मेरे शूज़ रेते के साथ भर चुके हैं। तो फाइनली गाइस, अब हम यहाँ से निकलने लगे हैं, और अभी हम जाना है ओमी भैया के पास, जो कि जीरो मोड में उनकी शॉप है। हम आए हैं समोसे खाने, क्योंकि ओमी भैया अभी गए हैं घर पे, जब तक वो आते हैं तब तक हम खा रहे हैं समोसे। दोस्तों अभी हमने समोसे खा लिए हैं, ये खा रहे हैं, मैं अभी जा रहा हूँ ओमी भैया के पास, क्योंकि वो बाहर आ गए हैं। तो ये हमारे खज्जल करने वाले भैया ओमी भैया, क्योंकि हमें आधे घंटे से वेट करवाया था, इनके चक्करों में हमने खा लिया समोसे। नमस्ते, कैसे हो? कब जा रहे हो चंडीगढ़? अभी पता नहीं, ये आपकी वीडियो। दोस्तों ये आगे है हमारी पापा की रिटायरमेंट की एल्बम, और ये उसकी वीडियो। बाकी इसके लिए मैं आपको एक अलग से ब्लॉग बना के दिखाऊंगा पूरी, टाइम मिला तो। तो फाइनली गाइस, हमने एल्बम ले लिया, अभी ओमी भैया को करते हैं अलविदा। ओमी भैया बाय, थैंक यू। अभी मैंने ओमी भैया के साथ एक दिन चंडीगढ़ जाना है, वो ब्लॉग अलग से बनाएंगे, ठीक है? हाँ, सभी जगह जाएंगे घूमने ओमी भैया के साथ, तो उसके बाद मिलेंगे, क्योंकि एक साल इनको हमने बड़ा दुख दिया। हमने तो दिए दिया था, किसी और ने भी दिया, आज वो भी वो बताना नहीं, सीक्रेट है। हम साले द्रबड़ गए थे, आप बहुत मार दिया। तो गाइस अभी मैं पहुंचा हूं घर पे, थक गया हूं, सबको एल्बम देख रहे थे, सारे घर के बैठे हुए थे, सभी ने एल्बम देखी रिटायरमेंट की, और अभी हम वीडियो देखने लगे हैं जो रिटायरमेंट की पापा उनकी, उसके बाद सो जाऊंगा। एडिटिंग आधी कर ली, आधी बची है, वो भी कर लूँगा आज, नहीं तो कल ये वाला ब्लॉग भी डाल दूँगा, क्योंकि अब कोशिश करूँगा कि हफ्ते में 5 दिन तो ब्लॉग डालूँ ही डालूँ। और ब्लॉग कैसे लग रहे हैं कमेंट में बताते रहना, कोई कमी या गलती होगी तो भी बता देना, ताकि मैं कैसे अपने ब्लॉग को इम्प्रूव करूँ। और ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, बाय बाय।